तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना है। 12वीं तक की पढ़ाई तो फ्री है, सरकारी स्कूलों में सब कुछ फ्री है, किताबें फ्री, सब कुछ फ्री कर रहे हैं, कर दिया। 12वीं के बाद आपका बच्चा अगर पढ़ने में बहुत तेज है, इंजीनियरिंग बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो कई बार होता है ना कंपटीशन के पेपर देने के लिए बड़े पैसे लगते हैं, कोचिंग करनी पड़ती है, उसकी भी चिंता मत करना, उसका भी इंतजाम कर दिया। गरीबों के बच्चों को कोचिंग दिलवाने के लिए दिल्ली सरकार ने स्कीम बनाई है, अगर आपका बच्चा पढ़ने में तेज है तो उसकी कोचिंग का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी, आप चिंता मत करना। उसके बाद 12वीं के बाद अगर आपका बच्चा कॉलेज जाता है, कॉलेज में पढ़ाने के पैसे नहीं है आपके पास, उसकी भी चिंता मत करना, 10 लाख रुपए तक का लोन देगी आपके बच्चे को सीधे, आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, कोई जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोई मकान गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, बैंक आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, सरकार गिरवी रखेगी अपनी तरफ से आपके बच्चे के लिए 10 लाख रुपए का लोन सरकार दिलवाएगी। आप तो बस फॉर्म भर देना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, 10 लाख रुपए तक का लोन लेके आपका बच्चा अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकता है, बेस्ट इंस्टीट्यूट में भेजो अपने बच्चों को, और जब पढ़ के आ जाएगा, जब उसकी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगने के 1 साल के बाद उसको लोन वापस करना शुरू करना, बच्चा सीधा देगा, माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं। और बाई चांस बच्चा ना दे पाए तो सरकार लोन वापस करेगी उसका, आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत। तो आपका भाई साहब पैदा होने से लेके और डिग्री नौकरी लगने तक के आपके बच्चे की सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी, पैदा होने से लेके नौकरी लगने तक सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने इसका इंतजाम कर दिया, और अब आपकी नौकरी का भी इंतजाम करने जा रहे हैं। इस साल हमने एक स्किल सेंटर खोला विवेक विहार में, जैसे ही हमारी सरकार बनी दिल्ली में, उसमें उनको होटल का कोर्स कराते हैं, उसमें टूरिज्म का कोर्स कराते हैं, 1 साल का कोर्स है, 12वीं के बाद 1 साल का कोर्स है, 1000 बच्चे लेते हैं वो भाई साहब, 1 साल 12वीं के बाद 1 साल का कोर्स है, 1 साल करने के बाद हर बच्चे को 100%, 3 साल हो गए इंस्टीट्यूट बने, 100% 100% बच्चों को, हर एक बच्चे को 30-30, 40-40 हजार रुपए महीने की नौकरी मिल गई है, अच्छी बात है कि नहीं है। अब इसी तरह के इंस्टीट्यूट इस बार हम बजट में पैसा सैंक्शन कर रहे हैं, 70 इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं, 70, तो 70,000 बच्चों की नौकरी का इंतजाम हो जाएगा भाई साहब, अच्छी चीज है कि नहीं है, 70,000 बच्चों की नौकरी का इंतजाम हो जाएगा। तो आपके बच्चे के पैदा होने से लेके डिग्री लेने तक और उसके बाद उसकी नौकरी का इंतजाम करने पे दिल्ली सरकार काम कर रही है। हम बहुत छोटे लोग हैं, जैसे आप लोग गरीब हो, हमारी पार्टी भी बहुत गरीब है, हमारे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे नहीं है, 3 साल हो गए सरकार चलाते, 40,000 करोड़ का दिल्ली सरकार का बजट है, 3 साल मतलब 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अगर मैं सारे ठेकेदारों को कह देता भाई सारे जने 1-1% पार्टी में जमा करा दो, तो सोच लो कितने पैसे कमा लेता, लेकिन अगर ऐसे कहता तो अपनी आत्मा को शक्ल नहीं दिखा सकता था मैं, ये करने नहीं आए थे हम लोग, एक पैसा नहीं कमाया, ना अपने लिए कमाया ना पार्टी के लिए कमाया, ये पार्टी केजरीवाल की पार्टी नहीं है, ये पार्टी आप लोगों की पार्टी है, आपके बच्चों की पार्टी है। एक ही चीज में मात खा गए हम लोग, हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, हम नेता नहीं है, हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, इसलिए ये 24 घंटे हमारे सिर पे चढ़े रहते हैं, ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, मीडिया वाले, 24 घंटे केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल ने आज कपड़े ऐसे पहन लिए, आज उसने जूते खरीद लिए, आज उसने चप्पल ऐसी क्यों पहनी, 24 घंटे हमारे पीछे पड़े रहते हैं, तो हमें राजनीति करनी नहीं आती। इतने सारे काम करे अभी मैंने बताया, मीडिया वालों ने दिखाया अपन दिल्ली में इतने सारे काम हो गए, कुछ दिखाया, वो नहीं दिखाएंगे, उनको आपके भले से कोई लेना देना नहीं है,
इसलिए ये जितनी बातें आज मैंने आपको बताई हैं, ये घर घर बात लेके जानी है, आप लोगों को लेके जानी पड़ेगी, समझ गए आपके।